नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे, परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, जिन लोगों ने भी जन्म कुंडली के लिए अमाउंट जमा कराया है वो थोड़ा सा धीरज रखें, सभी को जवाब दिए जा रहे हैं। और जो लोग जिन्होंने अभी जो रक्षाबंधन ऑफ़र लिया है उनको भी शीघ्र ही जवाब भेजे जाएंगे। हमने कुंडली का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया है, तो जैसे ही जिसने पहले अमाउंट भेजा है उसको पहले जवाब दिया जाएगा, तो आप थोड़ा सा वेट करें और आपको शीघ्र ही जवाब दिया जाएगा। मित्रों, यदि आज आप पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यही वो जगह है जहाँ पर विभिन्नताओं से भरी हुई जानकारी आपको मिलती है, जिससे कि आपका जीवन खुशहाल हो सके। मित्रों, मैं 23 वर्षों से भी अधिक समय से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ। यदि आपको परामर्श लेना है तो पूरे साल परामर्श देती हूँ मैं, लेकिन जो 1100 वाला ऑफर है वो कभी कभी आता है, लेकिन अति आवश्यकता में आप कभी भी परामर्श ले सकते हैं। आप रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग भी हमसे करवा सकते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली नहीं होती है, जिनके घर पे उनको लगता है कि कोई अदृश्य बाधा है, कोई अदृश्य नकारात्मक शक्ति है जो उनको उनका जीना हराम कर रही है, उनको बहुत परेशान कर रही है, घर के लोग डरे डरे से रहते हैं, वो लोग भी हीलिंग के लिए संपर्क करें। हम लामा फेरा हीलिंग भी करते हैं। लामा फेरा हीलिंग सुपर डुपर पावरफुल हीलिंग है। नॉर्मल रेकी के जो रिज़ल्ट हैं उससे कहीं ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट लामा फेरा के मिलते हैं। इसके अलावा आप अपने घर के वास्तु पुरुष की हीलिंग भी करवा सकते हैं। बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं शोध के द्वारा ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में, और ये बहुत से लोगों को नहीं पता होती है, तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी। ये आपकी इच्छा है, मैं कभी भी आपको बाध्य नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। अपने मन में चिंतन करें, विचार करें, और आपको लगता है कि उमा दीदी आप इस लायक है, मैं तो जानती हूँ मैं इस लायक हूँ, लेकिन ये आपके मन में भी ये बात समानी जरूरी होती है। और जब आपके दिल से ये आवाज़ आए कि नहीं ये सही जगह है और हमें परामर्श लेना है, तो आपका हमेशा स्वागत है और अवश्य लीजिए। लेकिन मन में कोई किंतु परंतु कोई संशय है तो बिल्कुल भी परामर्श मत लीजिए। जहाँ आपको जमता है वहाँ परामर्श लीजिए, क्योंकि मेरे ज्ञान में ना कभी कोई कमी थी ना है। मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है वो लोगों की सेवा के लिए है और मैं हमेशा तत्पर हूँ। लेकिन आपके मन में अगर कोई किंतु परंतु होता है मित्रों, तो फिर वो बात बनती भी नहीं है। और मैं कितने भी उपाय बता दूंगी, लेकिन आपका मन अगर संशय से भरा होगा तो वो उपाय आप पर काम भी नहीं करेंगे। आपका मुझ में, परमात्मा में और उन उपायों में श्रद्धा विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको बता रही हूँ जन्माष्टमी से पहले ये 5 चीज़ें अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो आपकी बरकत को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जी हाँ, आपके घर में सभी समृद्धि के कपाट खुल जाएंगे। आपकी जो समृद्धि बहुत समय से बाधित थी वो सभी तरह की समस्याएं कुल मिला के दूर हो जाएंगी। जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही कल्याण करने वाला है, और इस बार जो जन्माष्टमी पड़ रही है ये है 12 अगस्त 2020 को। 12 अगस्त 2020 से पहले ही आप ये सामान खरीद लाएँ जो मैं अब आपको बोल रही हूँ। इसके अलावा बांसुरी को कभी भी तोड़ फोड़ के नष्ट करके कोई टोना टोटका मत करें, वो बहुत ही उल्टा पड़ सकता है। भगवान की प्रिय चीज़ों को तोड़कर कुछ लोग टोने टोटके करते हैं और कुछ लोग बताने वाले भी धन्य हैं। तो भगवान की किसी भी प्रकार की चीज़ को क्षत विषत करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और ये कोई टोना टोटका नहीं है, बल्कि मुसीबत में और फंस जाओगे। तो सही लोगों से जुड़ो, सही जानकारी लो। कुछ बेवकूफ़ लोग पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे उपाय बताते रहते हैं जिनका कोई तारतम्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है कि आप जैसे गुणीजन भी उनकी बातों में आ जाते हैं। तो मित्रों, सही लोगों का चयन करो जो वास्तव में आपका भला चाहते हैं। आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि भगवान की प्रिय चीज़ को नष्ट करने से किसका कभी भला हुआ है क्या? तो इसलिए आप तुरंत ये बात समझ लीजिए, और मैं जो आपको चीज़ें बता रही हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जो जानकारी दी जाती है बहुत ही शोध और रिसर्च के बाद आपको दी जाती है। इसके अलावा मेरा स्वयं का जो निजी ज्ञान है वो आपके बहुत ही काम आता है। तो मित्रों, 12 अगस्त 2020 से पहले ही ये 5 चीज़ें घर में ज़रूर खरीद के लाएँ, और मैं इनका आपको लाभ भी बताऊँगी मित्रों क्या लाभ है। पहले नंबर पर जो चीज़ है वो है गाय का कंडा। गाय के जो गोबर से बना हुआ कंडा या उपला होता है उसको घर में रखना, साक्षात जिसको बोलते हैं ना अन्न धन का भंडार करने वाला होता है। तो आपके घर में आप जब चाहें उसको यूज़ लीजिए, लेकिन आपके घर में हमेशा गाय के गोबर का बना हुआ उपला जरूर विद्यमान रहना चाहिए। इसको घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको आप अपने स्टोर में भी रख सकते हैं, अपनी रसोई में भी रख सकते हैं। बेहतर होगा अपनी रसोई में रखें, एक उपला हमेशा रसोई में रहना चाहिए। ये इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में धन और अन्न का भरमार भरा हुआ है। इसे रखना बहुत ही शुभ माना जाता है।
और गाय भगवान को बहुत प्रिय थी, और आपको पता है कि जो गाय का गोबर होता है वो बहुत बड़ी औषधि है, बहुत सी बीमारियों को दूर करती है, इसका धुआं नकारात्मकता को दूर करता है, नेगेटिव एनर्जी उन घरों में प्रवेश कर ही नहीं सकती जिस घर में उपले को जलाकर धूनी वगैरह दी जाती है। दूसरी चीज़ है मित्रों बांसुरी। बांसुरी को घर में रखने से तमाम वास्तु दोष दूर होते हैं। जिनके घरों में दुच्छत्ती बनी हुई है या पहले जैसे बीच में एक लोहे का पिलर टाइप बना हुआ होता था कमरों में, वह उसके आसपास बांसुरी लगा देने से सारे वास्तु दोष दूर होते हैं। आप चाहें तो मुख्य द्वार पर भी बांसुरी लगा सकते हैं। बांसुरी घर में लगाना साक्षात भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद को प्रकट करता है। बांसुरी कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बांसुरी किसी के द्वारा दान में ना लेवें, बांसुरी खुद की खरीदी हुई होनी चाहिए। बांसुरी जब भी खरीदें तो देने वाला स्वयं बजाकर उसको ना देवें, आप स्वयं बजाकर लेवें और वही बांसुरी लेवें। कई लोग चेक करके देते हैं तो बांसुरी बजाने वाले खुद ही बांसुरी बजा बजा के देते हैं। वैसे भी स्वास्थ्य की दृष्टि से, जर्म्स की दृष्टि से भी यह सही नहीं है, इसलिए स्वयं बांसुरी बजाकर चेक करें और घर में बांसुरी जरूर लेकर आएँ। इसके अलावा तीसरी चीज़ है, वो है राधे राधे जिस पीले वस्त्र पर लिखा हो या श्री जय श्री कृष्णा जिस वस्त्र पर लिखा हो, ऐसा वस्त्र घर में लाकर पूजा स्थान में अवश्य ही रखें और स्वयं उस वस्त्र को कभी कभी यूज़ में लेवें, मतलब अपने अपने शरीर पर उस वस्त्र को टच करें। ऐसा करने से आप यकीन मानना इतना पुण्य आपको मिलेगा, इतनी शक्ति आप अपने भीतर महसूस करोगे जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। चौथी चीज़ है मोर का पंख। मोर का पंख जिस घर में होता है वहाँ काल सर्प दोष किसी भी प्रकार का दोष किसी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकता। आपको पता है झाड़ा देने वाले किसी भी धर्म के हो मोर पंख से झाड़ा देते हैं, क्योंकि मोर पंख की हवा जो मनुष्य एक मिनट भी ले लेता है अपने शरीर पर, उसके शरीर से नेगेटिविटी यूँ झड़ के साइड में गिर जाती है कि उसके मन में कभी नकारात्मक विचार आते ही नहीं है। आप चाहें तो थोड़ी देर भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने माथे पर मोर मुकुट को सजाकर और मेडिटेशन करें तो आपको बहुत ही चमत्कारी परिणाम मिलेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फायदा होगा। अब इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो है वैजंती माला। वैजंती माला घर में पूजा स्थान में जरूर होनी चाहिए और वैजंती माला रखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये पूजा पाठ की दुकानों पर आसानी से मिल जाती है। जिस घर में वैजंती माला होती है उस घर के सदस्यों का भाग्योदय कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा ये चीज़ें तो आप लेकर आ जाएँ, नहीं है तो लाकर रख लीजिए घर के अंदर। इसके अलावा बाल स्वरूप अगर भगवान श्री कृष्ण आपके घर में है तो आपको पता है लड्डू गोपाल जी की सेवा के कुछ खास नियम कायदे हैं। मैंने ऐसे बहुत से घरों में देखा है जो अपने मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप रख तो लेते हैं लेकिन उनकी विधि विधान से पूजा नहीं करते हैं, और मैंने हमेशा देखा है कि उनके घर में कोई ना कोई संकट जरूर होता है। इसलिए जब भी आप बाल गोपाल की कोई मूर्ति या तस्वीर घर में रखें तो उनके नियम कायदे जरूर समझ लें। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पूजा के कुछ खास नियम कायदे हैं और साधक को उन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो बेहतर रहेगा कि आप रखें जरूर, घर में रखना बहुत ही शुभ होता है, लड्डू गोपाल की मूर्ति तो घर में होनी ही चाहिए, लेकिन आप उनकी पूजा के क्या नियम कायदे हैं ये जरूर आप समझ लीजिए, जो भी विद्वान हैं जो भी इसके ज्ञाता हैं, नहीं तो मैं स्वयं ही आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा के क्या नियम कायदे हैं और किन नियमों को आपको फॉलो करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मित्रों फ़ायदा मिलेगा। तो जन्माष्टमी से पूर्व ये चीज़ें ज़रूर खरीद के लाइए। इसके अलावा जो बांसुरी होती है उसको कभी भी तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए। बांसुरी के जो छेद होते हैं वो जीवन में समृद्धि का प्रतीक है, सभी चक्रों को बैलेंस करते हैं। तो कभी भी बांसुरी को तोड़कर या बांसुरी के छेद में भरकर या बांसुरी को कोई कहता है गाड़ दो या वो कर दो, कभी भी ये गंदे प्रयोग मत करना, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण कुपित होते हैं। जिस भगवान की जो जितनी प्रिय चीज़ है उसका चीज़ का जितना आप सम्मान करेंगे आपके जीवन में उतनी ही प्रगति होगी। किसी प्रकार का दुरुपयोग इन चीज़ों का ना करें। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो जन्माष्टमी से पूर्व ये 5 चीज़ें खरीद लाएँ और अपने जीवन में जो चाहा था वो पाएँ मित्रों, जो चाहा था वो पाएँ, सब कुछ मिलेगा आपको।